राधा करावचित पल्लव बल्लरी के राधा पतांक विलस मधुर स्थली के राधांग जस मुखम खंगांग बलि के राधा विहार विपिने रमतांग मनो में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बार जोर करके बोलो हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी हम जहाँ पर आए हैं इस स्थान का नाम बरसाना क्या नाम है बरसाना। ये बरसाना मतलब क्या होता है जहाँ पर राधा रानी की प्रेम की जहाँ पर बारिश हो रही है और वो बारिश में कहते कृष्ण परात पर परम ब्रह्म होते हुए भी कहते के बापा बे वाके पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी कृष्ण परम ब्रह्म परात पर तत्व होते हुए भी राधा रानी की प्रेम रंग से बारिश से कृष्ण को भी उसमें भिगा देती है इसलिए स्थान का नाम बरसाना। हम जब आए ना रास्ता में हम लोग एक जगह को क्रॉस करते हुए आए जिसका नाम रंगली गली। क्या नाम? रंगली गली। वो रंगली गली नाम क्यों पड़ा? कहते इसी गली में होली खेलते थे। कहते ना आज ब्रज में होली रे ऐसिया ऐसे होली खेलते थे। होली का गुलाल का रंग कैसे? गुलाल का रंग ऐसे ही। इसलिए राधा रानी का जो चुंदरी का रंग ऐसे रंग है। इसलिए हम लोग ये रंग क्यों धारण करते हैं? यदि जो रंग है ये अनुराग का प्रतीक है, हाँ? ये अनुराग का प्रतीक है। वो जो रंग खेलते थे राधा रानी अपना अनुराग को द्वारा कृष्ण को भी भिगो देते थे और कृष्ण भी अपना अनुराग रंग में श्री राधा रानी को भी भिगो देते थे। इसलिए उसका नाम रंगलीगल। और जिस वन में हम परिक्रमा कर रहे हैं इसका नाम गहोर वन। क्या नाम है? गहोर वन। गहोर मतलब क्या है? गहोर मतलब होता है गंभीर। गहोर मतलब गंभीर। वो गंभीर क्या है? पिछले भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं राधिका भाव गंभीर जेबा चित्त महाधीर है। कहते राधा रानी का जो प्रेम है इतने गंभीर उनका प्रेम ऐसे गंभीर प्रेम है जिसको श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ब्रह्मेश्वराद सुदुरूह पदार बिंदम श्रीमात पराग परमाद भूत वैभव। इसलिए राधा रानी की ऐसे प्रेम की महिमा की गंभीर है बोले जो परात पर तत्व तो भगवान कृष्ण भी जिनकी प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए कलयुग में इसलिए कृष्ण ने देखा भैया मेरे को जितना आनंद होता है ना इससे करोड़ों गुण राधा रानी का आनंद होता है। वो आनंद क्या है? इसलिए राधा रानी की प्रेम की महिमा क्या है? इसलिए कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा रानी की प्रेम और उनकी भाव आस्वादन करने के लिए कृष्ण स्वयं कलयुग में श्री गौर हरि रूप में जगत में आस्वादन करने के लिए आते। बोले कौन? बोले कृष्ण। कृष्ण भी जिनकी प्रेम की कोई था नहीं पाते हैं इसलिए ये जो परिक्रमा कर रहे हैं इसका नाम गौर वन है। इस स्थान की इतने महत्व है कहते जहां पर कृष्ण कभी कभी आना है ना कभी कृष्ण को साथ में डायरेक्ट राधा रानी साथ ही नहीं हुई इसलिए कभी कृष्ण यहाँ पालीहारिणी मंदिहारिणी कभी श्यामा सखी बनकर कृष्ण यहाँ पर आया करते थे। इसलिए अपना बेस में कृष्ण कभी यहाँ पर नहीं आए इसलिए इसका नाम है गहवर बहन है। अभी हम जहाँ पर बैठे हैं ये स्थान का नाम साकिर खोर। साकिर मतलब होता है सक्र नबा पतली। खोर मतलब होता है इसका जो रोड जो रास्ता है। हम लोग इधर से होते हुए जाएंगे हम देखेंगे ये गली ऐसे है ना इसमें एक के बगैर दो जा ही नहीं सकते केवल एक व्यक्ति इसके अंदर में ये गली ऐसे बनी हुई। इसका मतलब क्या है? बोले प्रेम गली अति साकिरी ताहे ना दोए समा। जब प्रेम का जो गली है ना तो बड़ी पतली गली है उसमें दो नहीं समा सकते हैं। मतलब भगवान की भक्ति करना है ना ये मन को भैया किसी एक को देना पड़ेगा। संसार में तो नहीं तो ठाकुर को तो माया में तो नहीं तो ठाकुर जी को तो हाँ किसी को एक को ही मन में देना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण कहते मन मना भव
मन और किसी को नहीं, मन केवल मुझे ही दो। मत भक्त भव, भक्त बनना तो मेरा ही, माम जाजी पूजा करना तो मेरी, माम नमस्कुरु प्रणाम करना तो मेरी, मेरे को करो। फिर क्या होगा? बोले माम एससी, फिर तो तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। इसलिए जो भक्ति का जो मार्ग है, इसलिए कभी चैतन्य महाप्रभु को अद्वैत आचार्य ने पूछा, ध्यान देकर सुनो, कहते प्रभु जी अब घर छोड़ने का क्या जरूरत था, अब का बीवी कितने प्यारी है, अब उठने से पहले सारे सामग्री पूजा की तैयारी कर देती थी, स्नान करने से आने से पहले सारे खाना पीना को बनाकर रख देती थी, इतने पत्नी प्यारी, अब मैया है वो सख्यात मैया, तो सख्यात सुधा मैया है, इतने सची मैया है, इसलिए इतने दयालु सची मैया, परिवेश इतने बढ़िया था, फिर आपकी घर छोड़ करके संन्यास लेने का क्या जरूरत था, अब क्या घर में रहकर भजन नहीं कर सकते हो? चैतन्य महाप्रभु कहते देखो अद्वैत आचार्य, जब तक कोई संन्यास नहीं लेता है ना, इसलिए चार ही आश्रम में ना, पहले ब्रह्मचर्य, बाद में गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर उन्हें सन्यासी, सबको एक दिन सन्यासी लेना ही पड़ेगा, सबको एक दिन सन्यासी लेना, क्यों? अंतिम आश्रम में सन्यासी है, इसलिए शरीर से हो नहीं तो मन से हो, किसी तरह से सन्यासी लेना पड़ेगा। सन्यासी मतलब काय मन और वाक्य को दंडित करके संपूर्ण भगवत सेवा में लगाना, यही सन्यासी का तात्पर्य, कहीं रहो सन्यास लेना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु ने कहा देखो जब तक सन्यास नहीं लेते है ना, संपूर्ण रूप में महाप्रभु को देखे हो कैसे, हा कृष्ण बोलते हुए हाथ उठा करके दिन रात कृष्ण प्रेम में, जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम में डूबी रहती है, ऐसे ही महाप्रभु ऐसे दोनों हाथ उठा करके कहाँ गिर रहे हैं, कहाँ फिसल रहे हैं, क्या लेटर, उनको पता ही नहीं, दिन रात ऐसे कब होगा, जब दुनियादारी कर लो तो होगा, शादी कर लो तो आधा एनर्जी तो पत्नी की चली गई, बच्चे हो गए तो थोड़ी बहुत था बच्चों को चला गया, और फिर रह गया क्या ठाकुर को देने के लिए। इसलिए महाप्रभु कहते भैया एक दिन तुम्हें सन्यासी लेना ही पड़ेगा। इसलिए जो रास्ता है ना, ये पतली गली है, इसमें एक ही जा सकता, मतलब प्रेम के मार्ग में एक व्यक्ति एक मन से भगवान की भक्ति करना पड़ेगा। प्रभु जी एक अच्छी बात कह रहे हैं, बोले सन्यासी के बाद लोग, बोले पियाजी छोड़ना नहीं चाह रहे सन्यासी तो बाद में लेंगे, हाँ सन्यासी के बाद में, इसलिए इस ये जो साकिरी खो रहे हैं, हाँ देखो वो जो पर्वत का देखो, जैसे राधा रानी गोरी है ना, देखो वो पर्वत भी गोरी है, अब जिधर बैठे हो, अरे इधर देखो कृष्ण जैसे काले है, ये पर्वत भी काली है, इसलिए मानो राधा कृष्ण की जो रास्ता है ये राधा कृष्ण की है, बदल लेगा नहीं, तुम चिंता मत करो, इसलिए कि जो राधा कृष्ण की ये जुगल मिलन है, ये एक है, दूसरी है उधर जो पर्वत है उसका नाम ब्रह्माचल पर्वत है, ये ब्रह्म पर्वत है, इसलिए ब्रह्मा जी ये स्वयं ये पर्वत रूप में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले भैया ये ब्रह्मा जी पर्वत रूप में क्यों प्रकट हुए, कारण क्या है? अब लोग भागवत सुने, कल गए थे ना सही जय सही, जिस समय ब्रह्मा जी कृष्ण के बछड़े और सखा को चुराया, वो पहले तो सोच रहे थे कोई ग्वाल वाल होगा, लेकिन जब कृष्ण स्वयं ब्रह्मा पद को आसन दखल कर लिया, ब्रह्मा को जब पता चला ये कौन है, कहते मेरे प्रभु का भी ये प्रभु है, इसलिए ब्रह्मा को जो पता चला ये परात्पर परम ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्मा जी ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ बोले, ठाकुर जी खुश हो जाए, आप मूल नारायण हो, आपसे दुनिया विश्व ब्रह्मांड सृष्टि स्थिति आपसे बहुत कुछ बोले, लेकिन देखा कृष्ण सखाओं के साथ में खेल रहे कूद रहे, और सखा तो उनको चिढ़ा रहे थे, अरे ये चौमुहा कहाँ से आ गया, ये चार मुंह वाले कहाँ से आ गए, ब्रह्मा जी ने देखा भैया भगवान को खुश करने के लिए मैंने इतनी अच्छी अच्छी बात बताई, तभी ये खुश नहीं हो रहे, बोले अभी थोड़ी सी मैं उनकी भक्तों को ब्रजवासियों को थोड़ा स्तुति करता हूँ, फिर ब्रह्मा जी बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोपसाम जन्मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन, बोले ये ब्रजवासियों का सौभाग्य देखो, बोले कृष्ण कौन है, बोले पूर्ण है ये ब्रह्म है ये सनातन है, लेकिन होते हुए भी सखाओं का सखा बन जाते, झूठन खाते, भगवान होते हुए भी मैया उनको उखल में बांध देती है, कान पकड़ कर उठाती बैठाती है, और तो वो गोपियों को चरण प्रेम की भीख मांगते हैं कृष्ण, इन लोगों ने क्या ऐसे सौभाग्य किया, जब इतनी सी बात बोले ना इतने में कृष्ण मुस्कुरा दिए, फिर तो ब्रह्मा को पता चला कृष्ण का कमजोर कहाँ पर है, कमजोर कहाँ पर है, अरे बोलो कमजोर कहाँ पर है, शिक्षा देते हैं
मेरी स्तुति और मेरी सेवा करने से मैं जितने संतुष्ट होता हूँ, अगर मेरे भक्तों का कोई सेवा कोई स्तुति करे ना, उससे मैं ज्यादा संतुष्ट होता हूँ। ये उनकी कमजोर है। फिर ब्रह्मा जी लास्ट में कहते हैं, बोले तद भूरी भाग्यम यह जन्म की अटव्याम जात गोकुल ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी बताओ तुम क्या चाहते हो, क्या क्या ब्रज में कोई ग्वाल वाल बनना चाहते हो? बोले नहीं नहीं प्रभु, मैं इतना कहां सौभाग्य किया। बोले फिर यहाँ कोई पशुपक्षी बनना चाहते? बोले नहीं नहीं नहीं, पशुपक्षी भी मैं नहीं बन सकता हूँ। बोले कोई पेड़ पौधा? बोले नहीं नहीं। बोले कोई कीड़े मकोड़े भी बनना चाहते? बोले प्रभु कहां इतना सौभाग्य किया ब्रज के कीड़े मकोड़े बनने का, ये ब्रज का क्या महत्व। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, यहाँ के जो कीड़े मकड़े पशु पक्षी है ना, ये भी कोई साधारण नहीं, ये सब के सब कृष्ण सेवा के लिए सबके प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा कहते, प्रभु अगर मैं ब्रजवासियों का घर के बाहर, और ब्रजवासी नहीं, गांव के जो छोटे जाति के लोग गांव के बाहर रहते हैं, उनको घर को सामने जो पत्थर पड़ा रहता है ना, हमें ये पत्थर दे दो, जन्म दे दो। बोले क्यों? बोले जब घर में प्रवेश करेंगे वो पत्थर को ऊपर प्यार रख कर रगड़ेंगे ना, प्यार धोते ही कि नहीं। बोले जब अगर उनकी चरण धूलि अगर मिल जाए ना, जो गांव के बाहर छोटे जाति के रहते हैं, प्रभु मैं अपना जीवन को धन्य धन्य में मान लूंगा। ब्रह्मा जैसे ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ प्रश्न करते हैं, कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी आप तो इतने बड़े ब्रह्मा हो, सृष्टि करने वाले, आप इतने बड़े छोटी चीज को प्रार्थना कर रहे हो, छोटे जाति के घर को पत्थर बनने के लिए। तो ब्रह्मा कहते, प्रभु जत मुकुंदम, कहते ये ब्रजवासी कौन है? बोले मुकुंद, मुकुंद मतलब जिसकी कुंद पुष्प, जिनकी हंसी है ना कुंद पुष्प जैसी, जिनका दांत बड़े सुंदर है। कहते उनका जो जीवन है ना, कृष्ण का हंसी ही इनका जीवन है। हमने इतने सौभाग्य नहीं किया कि छोटे जाति घर में भी जन्म लेने का, अगर मेरी पत्थर जन्म हो जाए जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए देखो ब्रह्मा जी यहाँ पर ये पर्वत रूप में ये ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और प्रकट होकर के इनके हृदय में क्या भावना। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, एक दिन नारद जी प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मा जी को, बोले पिताजी अब ये 60,000 साल तपस्या क्यों किया पर्वत बन करके? इसलिए बोले ब्रज गोपियों की चरण धूलि निभाने के लिए। बोले क्यों? कहते बेटा ये जो ब्रज गोपियां है ना, ये साधारण कोई लड़की नहीं है। कहते ये आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी राधा रानी की एक भाव ही एक एक मूर्तिमान। इसलिए बेटा ये गोपियां कोई साधारण नहीं। इसलिए ये ब्रह्मा जी ये बरसाना में राधा रानी का धाम में उन्होंने पर्वत रूप लिया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु चारि वैष्णव संप्रदाय है, अगर कैसे मंत्र लेना तो शास्त्र कहता है चारि वैष्णव संप्रदाय से कोई एक संप्रदाय से मंत्र ग्रहण करो, नहीं तो तुमको कोई फल नहीं मिलेगा। अगर कहीं मंत्र लोगे तो वो निष्फल हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु स्वयं भगवान अभी वो जिस चीज को आदर से दिखाएंगे दुनिया तो उसको करेंगे। इसलिए महाप्रभु भगवान होते हुए भी उन्होंने श्री ब्रह्माद्ध गौड़ीय संप्रदाय को स्वीकार किया। बोले क्यों? ब्रह्मा हमारी आदि गुरु। कारण है कि ब्रह्मा जी के हृदय में वो ब्रज भाव, इनके हृदय में राधा रानी की प्रति इनकी भावना है। इसलिए ये ब्रह्माचल पर्वत रूप में यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कहते ये जो पर्वत, इसी तरफ में देखो जो पर्वत है इसका नाम कौन सा पर्वत है? कहते इसका नाम है विष्णु पर्वत। ब्रह्मा ब्रह्मा पर्वत ये विष्णु पर्वत। कहते भैया ये विष्णु के पर ये पर्वत क्यों रूप में ग्रहण किया? कहते श्री अनंत संहिता में इसकी कथा आती है। एक दिन श्री अनंत देव वो जाते हैं महाविष्णु के पास में। बोले प्रभु मैं तो आपका आशीर्वाद से सब लीला दर्शन किया, लेकिन अभी तक श्री वृंदावन नहीं जा पाए। अब आशीर्वाद अगर मैं जैसे वृंदावन धाम दर्शन कर पाए कि ब्रज धाम, तो महाविष्णु स्वयं कहते हैं, बोले देखो तुम्हारी बात छोड़ दो, मैं स्वयं भी अभी तक ब्रज में नहीं जा पाया, मैं भी नहीं जा पाया। कारण तो साई गर्भदशाई विष्णु भी नहीं जा पाए। ये वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं, यहाँ का जो पर्वत है, कई विष्णुचल पर्वत, कोई कृष्ण पर्वत, कोई गोपी पर्वत, सबके सब ये पर्वत रूप में, जैसे गिरिराज गोवर्धन, ये कृष्ण नंदगांव, स्वयं शंकर जी, ये स्वयं ब्रह्मा। बोले बेटा यहाँ की पर्वत भी कोई साधारण नहीं, यहाँ पर तालाब भी कोई साधारण नहीं, यहाँ की जो जैसे प्रेम सरोवर हम जाएंगे राधा कृष्ण प्रेम द्रवीभूत होकर हुए, मान सरोवर गए थे राधा रानी का अश्रु से वो सरोवर बना, और राधा कुंड श्याम कुंड जाओगे राधा कृष्ण दोनों यहाँ पर तालाब रूप में प्रकाशित हुए। बोले बेटा ये साधारण वस्तु नहीं है, इसलिए मैं स्वयं प्रवेश नहीं कर पाए। बोले फिर क्या प्रवेश नहीं हो सकता? बोले हाँ एक उपाय है, सबसे आसान उपाय। बोले क्या? बोले ब्रज गोपियों की जब तक अनुगत नहीं करोगे ना, तब तो प्रवेश नहीं कर सकते हो। भैया ये ब्रज गोपियों का अनुगत भी इतना आसान नहीं,
ब्रह्मा शंकर उद्धव भी जिनकी चरण की प्रार्थना करते हैं, कहते फिर क्या मिलेगा नहीं, बोले हाँ एक उपाय है। आप लोग भी ध्यान देकर सुनो, ये स्वयं महाविष्णु अनंत देव को कह रहे हैं, बोले सबसे एक सरल उपाय है, अभी उसी ब्रज प्रेम को देने के लिए श्री नवद्वीप धाम में कहते स्वयं श्री सचिनंदन गौर हरि अभी श्री नवद्वीप धाम में अभी जन्म ग्रहण किए हैं। अगर कोई वैष्णव की अनुगत्य में नवद्वीप धाम में जाए और वहां पर परिक्रमा करे और वहां चरण के धूल लगाए, महाप्रभु लीला स्थली में जाए ना, कहते आसानी से ही वो दुर्लभ प्रेम प्राप्त हो जाएगा। उसके सबसे सरल उपाय क्या करने चाहिए, नवद्वीप धाम में जाकर परिक्रमा करो। कौन कौन नवद्वीप धाम गए परिक्रमा में? हाँ देखो, जो लोग नहीं गए ना इस बार तो कृपा करके ब्रजधाम में आ गए। इस बार सुंदर गोपाल प्रभु साथ में ब्रजधाम की उसका ये बनाओ, प्रोग्राम बनाओ। अभी से अगर टिकट काटोगे ना, ट्रेन का टिकट प्लेन में मिल जाती है, बस 2 घंटा में पहुंच जाओगे और 2 घंटा में चले आओगे। ये स्वयं महाविष्णु कहते हैं जब तक महाप्रभु का कृपा नहीं होगा ना, राधा कृष्ण की कृपा भी नहीं होगी। इसलिए यही पर ही कृष्ण सखाओं को साथ में गैया चराने के लिए आते थे, आ करके कितनी सखाओं ने बोले कन्हैया पेट बड़े चूहे गुजरे, भूख लग रहा है, इसलिए खाने पीने का व्यवस्था कर, बोले चिंता क्यों, इधर आ जाओ। कृष्ण यहीं पर खड़े हो गए और एक गोपी दूध दही लेकर के यहीं पर जब आई, इतने में कृष्ण पर्वत के ऊपर में चढ़े, उठाया पत्थर और मारे मटकी में, मटकी में मारते मटकी फूट गई और वो गोपी तो एकदम दूध दही से स्नान कर ली। और उसने राधा रानी को जाकर शिकायत की, हाँ क्या शिकायत की, बोले मेरे नंद जू को लाला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो देला, मेरो नंद जो को लाला अलबेला मेरी मटकी में मार। ये जो भजन नहीं गाए कहते मेरे नंद जू के लाला अलबेला और मेरी मटकी में मार गयो देला, जब बोले बोले क्या हमारे राज्य में आकर के हमारी सखियों के ऊपर में अत्याचार है, हम ये चीज को सहन नहीं करेंगे। इसलिए देखो आज खाया ना, उनको मुंह में लगा हुआ है, कल भी वो आएगा। एक काम करो, जाओ सब किसी झाड़ी में छुप जाओ। और राधा रानी का राज्य है, सब झाड़ी में छुप गए। बोले फिर जब वो आक्रमण करेगा ना, तुम हुइसल बजाना, फिर देखना हम क्या करते हैं। उन्होंने चारों तरफ छुप गए। फिर कृष्ण दूसरे दिन आए, एक दिन खाए, जब आए ना फिर हुइसल मारे तो जैसे पुलिस चारों तरफ में घेर जाते, घेर लिया, घेर करके किसका तो चोटी बांध दिया पेड़ में, किसका हाथ बांध दिया पीछे, है बोले भैया हम कुछ नहीं जानते, हमारा जो लीडर है ना ये कन्हैया हमारा लीडर है, वो जैसे बोलता है वैसे, बोले ये लीडर है। इतने में उनको चुंदरी लहंगा और उनको भरिया पहना करके उनका सर के ऊपर 3-4 मटकी रख करके गोपी पहाड़ के ऊपर गई, उठाया पत्थर और मारते मटकी फूट गई। कृष्ण भी दूध दही से ही भर स्नान कर लिया। बोले और ऐसे करोगे कान पकड़ो, यहाँ पर उठ बैठ करो भगवान को, यहाँ पर उन्होंने उठ बैठे कर। कृष्ण बोले भैया मेरी गलती हो गई, कभी भविष्य में ऐसे कभी मैं काम नहीं करूंगा। देखो यही इसलिए कहते हैं के बाप पापे वा के पार प्रेम नदी आके सदा उल्टी वही धार, कहा परम प्राप्त पर तत्व होकर की प्रेम ऐसे के वस्तु है जहां पर भगवान भी स्वयं प्रेम को सामने स्वयं फैल होकर के विश्व ब्रह्मांड को जो नचाने वाले, लेकिन ब्रज गोपियों की छांच के ऊपर में प्रभु नाच लेते हैं। इसलिए यह स्थली है बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थली, ये साधारण ये जगह नहीं। इसलिए हम लोग वैष्णव के अनुगत्य में यहाँ पर आए, अभी हरि कीर्तन करते करते सब परिक्रमा करते हुए जाएंगे, बीच में बहुत कुछ स्थान पड़ेगा, तानगढ़ मानगढ़ विलासगढ़ ये सब स्थान बीच बीच में पड़ेगा। हम धीरे धीरे सब कथा सुनते सुनते श्री राधा रानी की मेन मंदिर में जाएंगे, जहाँ पर राधा रानी की निकुंज महल है। ठीक है, बोले बांछा कल कृपा से हरे कृष्ण सिद्धार्थ।